रिकॉर्डिंग मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ उसको। चलें, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट कंप्लीट इस तरह बन जाए तो आप क्या करोगे, सिंपल डेमो डेटा इंपोर्ट कर लोगे। डेमो डेटा इंपोर्ट करोगे, आपकी वेबसाइट सेम टू सेम ऐसे ही बन जाएगी। ठीक है, लेट्स चेक दिस दीज सर्विसेज ऑन फाइवर, के फाइवर पे ये लोग किस तरह सेल करते हैं। फाइवर ओपन करता हूँ मैं आपके सामने अभी, फाइवर फाइवर मैंने ओपन किया, इंस्टॉल वर्डप्रेस थीम, ये काम सिखाया ना आपको मैंने कि थीम किस तरह से इंस्टॉल होता है डेमो डेटा। ये देखें, आई विल इंस्टॉल वर्डप्रेस थीम लाइक अ डेमो डेटा, लाइक अ डेमो। आई विल इंस्टॉल वर्डप्रेस थीम सेटअप लाइक अ डेमो। आई विल इंस्टॉल, ये छोड़ें, ये भी छोड़ें, आई विल सेटअप वर्डप्रेस थीम इंस्टॉल एज ए लाइक अ डेमो। सारी डेमो डेटा के आ रही हैं कि आप वो सर्विसेज ये दे रहे हैं कि आपकी वेबसाइट का मैं थीम भी इंस्टॉल करूंगा और उसको एज ए डेमो डेटा भी दिखाऊंगा। अब डेमो डेटा के साथ वेबसाइट को इंस्टॉल करना इज़ जस्ट अ 2 मिनट टास्क। आपके सामने अभी मैं परफॉर्म करता हूँ कि ये थीम है हमारे पास, ये थीम है, इसकी फाइल्स हमारे पास ये मौजूद हैं। अब हम देखते हैं कि इसको डेमो डेटा से किस तरह बना, सेम एज इट इज़ जैसी वेबसाइट आपको नज़र आ रही है यहाँ पे, इसको एज इट इज़ बना देंगे। तो दिस इज़ कॉल्ड इंस्टॉल वर्डप्रेस थीम एंड सेटअप लाइक अ डेमो डेटा, दैट्स इट। सिर्फ 10 मिनट का काम है ये, जो लोग करते हैं बहुत ज़्यादा सेल करते हैं इसको ऑनलाइन भी। अब किस तरह होता है वो देखें, अब थीम का मजीद स्ट्रक्चर। तो डेमो डेटा फाइल समझ आ गई सबको, ये चीज़ होती है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन बेसिकली क्या करती है, आप किसी जगह फंस जाओ, किसी जगह आपको कोई चीज़ समझ ना आ रही हो, तो डेवलपर्स कंप्लीट उसकी डॉक्यूमेंटेशन बना देते हैं। डॉक्यूमेंटेशन में क्या होता है कि कौन सा काम आपने किस तरह करना है, तो आप डॉक्यूमेंटेशन से देख लेते हो। जैसा आप घर में कोई मशीन लेके आते हो, उसके साथ मैनुअल आता है, आप कहीं पे फंस जाओ, कहीं पे आपको पता ना चल रहा हो रेड लाइट का क्या बटन, क्या फंक्शन है, ब्लू लाइट का क्या फंक्शन है, तो आप उससे देख के समझ लेते हो। तो डॉक्यूमेंटेशन भी सेम यही करती है, आप डॉक्यूमेंटेशन में कंप्लीट एज इट इज़ हर चीज़ आप देख सकते हो। एक्स्ट्राज, इसमें एक्स्ट्राज में कुछ आइकॉन्स आपको मिल जाएंगे, ये वाला जो फोल्डर आपको ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत कम थीम से मिलेगा आपको। एक्स्ट्राज में आपको कोई आइकॉन्स मिल जाएंगे, इमेजेस के पैटर्न्स मिल जाएंगे, जैसे ये पैटर्न बना हुआ देखें, ये पैटर्न बना हुआ है ऐसे, इस तरह के पैटर्न्स आपको मिल जाएंगे। हम इसको ना एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठहरे, ठीक है, ये देखें एक्स्ट्राज इमेजेस, ये देखें पैटर्न्स हैं हमारे पास, ये पैटर्न्स आप चेंज कर सकते हो, यहाँ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे पैटर्न्स मिल जाएंगे, क्लियर। चलें अब आते हैं नेक्स्ट फोल्डर पे, लाइसेंसिंग। ये आपके लाइसेंस की इन्फॉर्मेशन होती है कि आपने वाकई ये थीम बाय किया, वेसल है और आप इसके ऑनर हो। नेपच्यून बाय ऑस्टन, ठीक है, ये देखें, जब आप इस फोल्डर में जाओगे, यानी जो थीम का नाम होगा उसी नाम का एक फोल्डर आपको मिलेगा यहाँ पे। जब आप इसको ओपन करोगे, इसमें मजीद कुछ फोल्डर्स होंगे, आपने इस विनरर की फाइल में जाना है, विनरर की फाइल ओपन करेंगे, इसमें एक और फोल्डर होगा, तो आपको कुछ इस तरह से फाइल नजर आएंगी, वो फोल्डर जहां पे आपको इस तरह की बहुत सारी फाइल नजर आए, जिसमें आपको एक कॉमन फाइल नजर आएगी index.php की, header.php की। ये .php वाली फाइल जब आपको जहां नजर आनी स्टार्ट हो जाए, इट मीन्स वो थीम की फाइल्स हैं, और वही फाइल्स हमें जरूरत होती है थीम को इंस्टॉल करने के लिए। क्लियर, समझ आ गई, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें, अगर कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है जी, रिपीट कर दें, रिपीट कर देता हूँ। आप क्या करेंगे, आप जब फोल्डर ओपन करेंगे आपको बहुत सारी फाइल नजर आएंगी, आपने जो थीम का नाम है उसी नाम का फोल्डर आपके पास मौजूद होगा। मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स दिखा देता हूँ, एक थीम ये है मेरे पास, एक थीम और है मेरे पास, मैं दिखाता हूँ आपको, फूड रेसिपी थीम है ये मेरे पास, और ओके ये देखें, जैसे ही मैंने किया तो मेरे पास ये देखें zip फाइल मेरे पास पड़ी है, इंस्पायरी थीम फूड रेसिपीज। जैसे इस फोल्डर को ओपन किया मैंने, इसमें एक और फोल्डर है,
इसको ओपन किया तो मेरे पास वही स्ट्रक्चर नजर आना स्टार्ट हो गया मेरे पास, इंडेक्स डॉट पी एच पी का, हेडर डॉट पी एच पी का, फुटर डॉट पी एच पी, सारे फोल्डर नजर आने, सारी फाइल नजर आनी स्टार्ट हो गई। जब ये फाइल आपको मिल जाए तो इट मीन्स ये फाइल है जो कि आपको अपलोड करनी है वेबसाइट पे, तो इंस्टॉल थीम। क्लियर? चलें ठीक है, तो आप ये वो फाइल है जो आपके मतलब की फाइल है, ठीक है। अच्छा, और फाइल कौन सी होती है? इसमें प्लगइन्स का फोल्डर होता है। एक प्लगइन्स के फोल्डर में आपके पास बहुत सारे प्लगइन्स होते हैं जो कि उस थीम को चलाने के लिए यूज़ होते हैं। यानी फॉर एग्जांपल, जैसा जैसे आप एक जूसर मशीन लेके आते हो घर में, जूसर मशीन के साथ आपको डिफरेंट प्लगइन्स मिलते हैं कि आपने अगर चॉपिंग करनी है तो उसके लिए एक अलग होगा, आपने अगर जूस बनाना है तो उसके लिए अलग होगा, आपने अगर मसाला वगैरह पीसना है तो उसके लिए अलग होगा। तो वो डिफरेंट डिफरेंट प्लगइन्स हैं, आप उसको प्लग इन करते रहो, वो मशीन को चलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ऐसा ही है, या आपने कभी वो मशीन देखी है, वो कैरेट के जूस वाली होती है ना, उसके उसमें डिफरेंट प्लगइन्स होते हैं। आप उन सारे प्लगइन्स को जोड़ोगे तभी वो मशीन चलती है, अदरवाइज नहीं चलती। अगर आप एक जाली भी निकाल लोगे या वो पुशर निकाल दोगे तो वो चीज़ें नहीं चलेंगी। तो उस पूरी मशीन को कॉम्पैक्ट करोगे, जोड़ोगे पीस बाय पीस जोड़ोगे उसको, तब वो चलती है। सेम वर्डप्रेस थीम की भी यही एग्जांपल है कि वर्डप्रेस थीम के साथ डिफरेंट प्लगइन्स होते हैं जो कि उसको सपोर्ट करके उसको चलाने में हेल्प आउट करते हैं। ठीक है, समझ आ गई या नहीं आई? तो प्लगइन्स थीम को चलाने के लिए जरूरी होते हैं। कुछ प्लगइन ऐसे होते हैं जो कि मैंडेटरी होते हैं, कुछ आपके ऑप्शनल होते हैं। क्लियर? ये कुछ आपके थीम के फोल्डर का स्ट्रक्चर होता है। इतनी समझ आ गई? चलें अब थीम इंस्टॉलेशन देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि हमारे लिए जिप फाइल सबसे इंपॉर्टेंट होगी जो कि थीम के नाम की होगी। इसको मैंने एक्सट्रैक्ट करके मैं यहाँ पे ले आता हूँ अपने डेस्कटॉप पे, यहाँ मैंने पेस्ट किया, ये मेरे पास एक फाइल आ गई। ठीक है, अब ये फाइल मेरे लिए इंपॉर्टेंट है सबसे। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल अपनी अपनी वेबसाइट ओपन करता हूँ मैं, ईट आप लोगों के सामने ये वेबसाइट पूरी की पूरी मैं क्लास में ही सेटअप करूंगा ताकि आप लोगों को एक रियल टाइम केस स्टडी मिल जाए कि प्रॉपर चीज़ें किस तरह सेट की जाती हैं सारी ए टू जी। ठीक है, हम इस वेबसाइट पे काम करेंगे ज़्यादा। अच्छा, थीम आपने इंस्टॉल करना है तो आपने अपेयरेंस में जाना है, थीम्स, एड न्यू। आपके पास दो ऑप्शन हैं, अपलोड थीम करेंगे तो आप यहाँ से चूज फाइल भी कर सकते हैं या ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप के लिए आप सिंपल इसको ड्रैग करें और यहां पे ड्रॉप कर दें। ठीक है, इंस्टॉल का बटन प्रेस करें, इट विल टेक सम टाइम और ये इंस्टॉल हो जाएगा। दिस विल टेक टाइम बेस्ड ऑन योर इंटरनेट कनेक्शन और स्पीड, और आपके थीम की फाइल पे भी डिपेंड करता है कि थीम की फाइल कितनी हैवी या कितनी क्या है। वर्डप्रेस एक बहुत एक मल्टी फंक्शनल टूल है, अगर जिसको आ जाए तो उसके बारे में कर सकता है। अगर आप उसको सीरियसली सीखेंगे तो आप लोग एक वेबसाइट डेवलपर बन जाएंगे। आप एटलीस्ट जो टेक्निकल वाले हैं उन जैसी या उनसे अच्छी वेबसाइट्स बनाना स्टार्ट कर देंगे। मेरी बनाई इस टाइम कुछ 600 वेबसाइट्स ऑनलाइन है, 600 वेबसाइट्स। चलें, एरर आ गया, बड़ी मज़े की बात, बहुत अच्छा हुआ एरर आ गया, बहुत अच्छा वो एरर आ गया। आपको दूसरा वे बता देता हूँ थीम इंस्टॉल करने का, दूसरा वे भी है। अब जो लोग फ्री होस्टिंग यूज कर रहे हैं ना उनके लिए इशू अब आता है ज्यादा। अब यहां पे आपके पास एरर आ गया, आप कैसे थीम इंस्टॉल करोगे, अपलोड करोगे? बट जिन लोगों ने डोमेन्स बाय की हुई हैं उन लोगों के लिए देख लें वो क्या आप किस तरह से कर सकते हैं। आप सिंपल अपने एडमिन पैनल में जाओगे, hosters.pk जो भी आपको आपका क्लाइंट एरिया मिला है, इसको सी पैनल कहा जाता है। आपने सी पैनल में जाओगे, यहाँ पे भी थीम इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आपकी इंटरनेट स्पीड अच्छी है तो हो जाएगा, समटाइम एरर आ जाएगा आपको, आप दोबारा इंस्टॉल करोगे हो जाएगा मोस्टली। बट अगर नहीं हो रहा बार बार करने से भी तो आप करोगे, आप अपने एडमिन पैनल में लॉगिन करोगे, लॉगिन, पासवर्ड मेरा बहुत हैवी है, देखें स्ट्रांग पासवर्ड है। ठीक है, अच्छा
आप अपनी वेबसाइट पर क्लिक करोगे, लॉग इन टू सी पैनल। जैसे ही सी पैनल में जाओगे, अब आपको मैं स्ट्रक्चर समझाता हूँ आपके रूट डायरेक्टरी का, कि रूट डायरेक्टरी में चीजें किस तरह से मूव हो रही होती हैं, किस तरह चल रही होती हैं। सी पैनल में आएंगे, जैसा जैसा कि आपके पास हार्ड डिस्क होती है, आपकी सारी फाइल हार्ड डिस्क में पड़ी होती है, होता है यहां भी आपके हार्ड डिस्क मौजूद है। उस हार्ड डिस्क में आपके सारी की सारी फाइल्स, जो आप लोग मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे कि सर वेबसाइट कैसे लोड होती है, कहाँ से आती है डेटा, कहाँ से आता है, तो डेटा कहाँ पड़ा होता है, सर्वर पे होता है, एक हार्ड डिस्क की स्पेस में। उसको कहा जाता है फाइल मैनेजर। ये फाइल मैनेजर आपके पास यहाँ शो हो रहा है, फाइल मैनेजर पे क्लिक करेंगे, आपको शायद क्लाउड एक्सेस शायद फाइल मैनेजर की ऑप्शन देता होगा, देता है नहीं देता, 000 होस्ट में देता, 000 होस्ट देता है, चले मुझे बताना आप, ठीक है। चलें, जैसे ही आप आएंगे तो आपके पास डिफरेंट चीज़ें होंगी, बहुत सारी चीज़ें आ रही होंगी। सबसे चीज़ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो कि आप पब्लिक को दिखाना चाहते हो, वो पब्लिक HTML है। बाकी कोई फोल्डर आपके काम का नहीं है, सिर्फ पब्लिक _HTML फोल्डर आपके काम का है। आप इसको क्लिक करोगे, जैसे ही ओपन करोगे, इसके अंदर आपके सारी फाइल्स मौजूद होंगी जो आप चाहते हो। देखिए वर्डप्रेस पड़ी है, वर्डप्रेस एडमिन, वर्डप्रेस कंटेंट, वर्डप्रेस इंक्लूड और सारी फाइल्स यहाँ पड़ी मौजूद है। अच्छा, हमने जाना है कंटेंट के फोल्डर में, ठीक है। कंटेंट के फोल्डर में जाएंगे तो आपके प्लगइन्स और थीम्स जो आपने अपनी वेबसाइट पर इंस्टॉल किए हैं, सारे के सारे यहाँ मौजूद होंगे। इस टाइम हमारी वेबसाइट पे थीम कौन कौन से इंस्टॉल्ड हैं वो देखते हैं। एक हमारे पास 2019 है, 2017 है और 2016 है। अगर मैं अपने प्लगइन थीम के फोल्डर में जाता हूँ तो मेरे पास ये तीनों थीम्स मुझे नज़र आ रहे हैं, है इंस्टॉल्ड। मैं सिंपल क्या करूँगा, अपलोड का बटन प्रेस करूँगा, यहाँ पे जो फाइल मैंने वहाँ पे डाउनलोड की थी ये वाली, इसको आप एक बार ओपन करके चेक कर लें, फाइल वही है, ठीक है, ओके। आप इसको सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करें और वेट करें। जैसे ही ये अपलोड होगी हम अपना थीम इंस्टॉल कर लेंगे। इजी है, कंफ्यूजन नहीं हो रही ज़्यादा, बोर तो नहीं हो रहे जी? या आपने वेट करना है अनटिल जब तक ये ग्रीन ना हो जाए। कुछ लोग करते हैं ये ग्रीन नहीं होता और इसको आप कैंसिल कर देते हैं और पेज क्लोज कर देते हैं, बाद में ढूंढते रहते हैं फाइल मेरी किधर गई है, मुझे मिल नहीं रही। इसको ग्रीन होने का वेट करना है। ये देखें, आप अपने फोल्डर में जाएंगे, मेन फोल्डर में पब्लिक HTML, यहाँ पे WP कंटेंट का फोल्डर, एक फोल्डर होता है जिसमें आपका सारा डेटा मौजूद होता है, ठीक है। जो जो चीजें आप अपलोड करते हो ना, वो WP कंटेंट का फोल्डर होता है। ग्रीन हो गया, ठीक है, इट मींस हमारी फाइल अपलोड हो चुकी है। अब जाते हैं हम थीम्स पे, और जैसे यहां पे आएंगे तो मेरे पास देखें फाइल आ गई मेरी। आप राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। जैसे ही एक्सट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आपका थीम यहां पे आ जाएगा। इसको रिफ्रेश करें, फोल्डर बन गया हमारे पास। ये आप लोग, मुबारक हो आप लोग सारे वर्डप्रेस डेवलपर बन चुके हैं। चलें, खैर अब हम आते हैं अपने थीम्स वाले पेज पे। थीम हमारे पास शो नहीं हो रहा, बाय। रिफ्रेश करना है हमने इसको, अपने सेटिंग्स को। आ गया थीम हमारे पास, आप इसको एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेट का बटन प्रेस किया मैंने और आपका थीम एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे ही थीम आपका एक्टिवेट होगा, आपसे ये प्लगइन्स डिमांड करेगा कि जी आप वो एसेंशियल प्लगइन्स तो मुझे मेरे इंस्टॉल करें जो मेरे लिए ज़रूरी हैं। ठीक है, देखा, जैसे ही थीम मेरा इंस्टॉल हुआ, उसने मुझे बताया कि दिस थीम रिक्वायर्स द फॉलोइंग प्लगइन्स। नंबर वन इज एडवांस कस्टम फील्ड प्रो, ऑस्टन हेल्पर और ब्ला 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 जो भी हैं। आप क्या करोगे,
सिंपल बिगिन इंस्टॉलिंग प्लगइन्स का बटन प्रेस करोगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको उस पेज पे ले जाएगा जहाँ पे सारे के सारे थीम्स मौजूद होंगे। आपके पास अब ऑप्शन है, आप ये वाला प्लगइन जो प्लगइन के साथ आपके चेक बॉक्सेस को सिलेक्ट करेंगे सारे के सारे इंस्टॉल आपके चेक हो जाएंगे। ठीक है, आप इसको करें और बल्क एक्शन पे क्लिक करेंगे और इंस्टॉल प्लगइन्स। प्लगइन्स सिंपल आपने बिगिन इंस्टॉलिंग प्लगइन्स का बटन क्लिक करना है, आपको इस पेज पे ले आएगा वो और आप सारे के सारे प्लगइन सेलेक्ट करोगे और बल्क एक्शन से आप इंस्टॉल का बटन प्रेस करोगे और अप्लाई। जैसे अप्लाई का बटन प्रेस करोगे इट विल स्टार्ट इंस्टॉलिंग थीम्स सॉरी प्लगइन्स वन बाय वन, 1x13, 2x13, 3x13 और सो ऑन। जी ये थीम की फाइल्स में बिल्ट इन होता है, थीम्स की फाइल में बिल्ट इन होता है। आप कोई भी थीम बाय करोगे या परचेज करोगे उसके साथ ये पैकेज मिलता है आपको। मैं बाय डिफॉल्ट 30 थीम्स का डेटा आप लोगों को दे दूंगा, आप लोग उसमें से कोई भी थीम इंस्टॉल कर सकते हैं और आप लोग डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आपके प्लगइन इंस्टॉल हुए आपके पास मैसेज आ जाएगा ऑल प्लगइन्स एक्टिवेटेड एंड कंप्लीटेड। ठीक है, अच्छा अब आती है बात, हम वेबसाइट को विजिट करते हैं कि हमारी वेबसाइट उस डेमो डेटा की तरह लग रही है या नहीं लग रही। ओहो ये तो बिल्कुल फिटे मुँह लग रही है, ऐसा ही है। अच्छा अब हम देखते हैं कि और क्या इसमें लवाजमात हैं जो कि हम कर सकते हैं इसको सेट करने के लिए, इसकी तबीयत दुरुस्त करने के लिए। देखते हैं हमारे पास डेमो डेटा किस तरह इंपोर्ट होता है। हमें नहीं समझ आ रही डेमो डेटा किस तरह इंपोर्ट करना, ओह माय गॉड बहुत मुश्किल काम है ये तो, है ना, मुश्किल है ना। चल जिंदगी को आसान बनाते हैं। देखें जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया मेरे पास यहाँ पे आइकॉन्स की तादाद बढ़ गई। अब आइकॉन की तादाद कैसे बढ़ गई, जो प्लगइन्स एक्स्ट्रा इंस्टॉल किए हैं उसने वो यहाँ पे आपके पास शो हो गए हैं। अब देखते हैं यहाँ पे कहीं हमारे पास डेमो डेटा इंपोर्ट करने का ऑप्शन है या नहीं है। वो नॉर्मली आपके पास आएगा अपेयरेंस में या थीम का नाम होगा यहाँ पे कहीं पे, उस थीम के नाम वाली जगह पे आएगा पहले। हम क्योंकि थीम का नाम हमारे पास यहाँ कहीं नहीं शो हो रहा, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा। ओहो चलें खैर, ये थीम सेटिंग है हमारे पास, थीम सेटिंग में कुछ नहीं आ रहा हमारे पास डेमो डेटा के लिए। अपेयरेंस चेक करते हैं, आ रहा है ये रहा इंपोर्ट डेमो डेटा, ये मिल गया, वाओ आज को चांद चढ़ेगा। इंपोर्ट डेमो डेटा, जैसे इंपोर्ट डेमो डेटा का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास एक अजीबोगरीब पेज आ जाएगा। देखें डेमो डेटा इंपोर्ट करने का ऑप्शन हमारे पास मौजूद है नहीं है। अब देखें आपके पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, सुन लें, एक आ रहा है स्विच टू मैनुअल इंपोर्ट और एक आ रहा है आपके पास ऑटोमेटिक इंपोर्ट। अगर आप स्विच टू मैनुअल इंपोर्ट करेंगे वो भी चल जाएगा। किस तरह चलेगा, आपके पास ऑलरेडी फाइल्स मौजूद हैं उसकी, ये देखें ये डेमो डेटा की फाइल्स मौजूद हैं आपके पास। एक फाइल है आपके पास XML और एक है WIE। जैसे ही आप मैनुअल इंपोर्ट पे स्विच करेंगे, मैं इसको करके दिखाता हूँ आप लोगों को, जैसे स्विच करेंगे मैनुअल इंपोर्ट पे आप, तो आपके पास वही फाइल्स के नाम आ रहे होंगे कि एक जगह आपने ये फाइल अपलोड करनी है, एक जगह ये फाइल अपलोड करनी है। ये देखें XML फाइल आ रही है आपके पास, WIE आ रही है और DAT आ रही है हमारे पास। WIE फाइल मौजूद है, XML फाइल मौजूद है, तीसरी फाइल की हमें ज़रूरत नहीं है। तब दोनों तरह से डेटा फाइल अपना डेमो डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं। मैं इसको वन क्लिक इंपोर्ट करता हूँ, मैंने इंपोर्ट डेमो डेटा का बटन प्रेस किया तो ये ऑटोमेटिकली सारे के सारे फाइलों को फेच करके डेटा आपका इंपोर्ट कर देगा। इट विल अगेन टेक सम टाइम क्योंकि आप पूरी फाइल्स इमेजेस स्लाइडर हर चीज़ ये आपका डाउनलोड कर रहा होता है तो ये आपके इंटरनेट स्पीड पे आपके सर्वर की स्पीड के मुताबिक टाइम लेगा। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है, रिपीट करने की जरूरत तो नहीं है पूरा लेक्चर मुझे।
जरूरत नहीं है, आप ये ऑटोमेटिकली क्योंकि थीम आपके सर्वर पे इंस्टॉल हो गया है, ये ऑटोमेटिकली उसी फोल्डर में ही आपके डेमो डेटा इंपोर्ट करेगा, आपकी वेबसाइट आपके डेटाबेसिस में ऑटोमेटिकली टेबल्स क्रिएट कर देगा इसके लिए जो ज़रूरी है, और ऑटोमेटिकली ही सारे काम करेगा, आपको कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। यही ब्यूटी है वर्डप्रेस की। अब मैं क्या करता था नॉर्मली क्लाइंट्स के लिए, मेरी स्ट्रेटजी होती थी, मैंने 15-20 थीम्स का पैकेज रखा होता था अपने पास। क्लाइंट मेरे पास आता था, वो कहता था मुझे फॉर एग्जाम्पल अपने इवेंट की वेबसाइट बनवानी है, तो मेरे पास इवेंट का एक थीम मौजूद था। मैं क्लाइंट को कहता था यार ये थीम है बहुत अच्छा मेरे पास, अगर आप कहते हो तो आपकी वेबसाइट इसका क्यों ना। क्लाइंट कहता था ओके। मैं उसको कहता था कि जनाब $60 लगेगा थीम का आपका, और $300 या $400 जितना भी हो मेरे मुँह से निकला मैंने बता देना उसको कि इतने पैसे लगेंगे आपके वेबसाइट डेवलपमेंट का, कॉन्टेंट आप खुद ही दोगे। हाँ कॉन्टेंट आप खुद ही दोगे। मैं क्या करता था, थीम इंस्टॉल किया, डेमो डेटा इंपोर्ट कर दिया। डेमो डेटा इंपोर्ट करके क्लाइंट ने जो कंटेंट दिया होता था डेमो डेटा में, जहाँ जहाँ वो कंटेंट फिट होता है वो इंसर्ट करता जाता, और वेबसाइट बिल्ड करके एक दिन में डिलीवर। अब एक दिन में डिलीवर करना इज बेवकूफ़ी। अब क्लाइंट को दिखाने के लिए मैं बहुत काम कर रहा हूँ आपकी वेबसाइट पे, पहले दिन एक पेज बना के उसको लाइव कर दिया, दूसरे दिन दूसरा पेज बना के लाइव कर दिया, तीसरा दिन तीसरा पेज बना के पब्लिश कर दिया उसको, बाकी ड्राफ्ट में पड़े रहे। कोई 8-10 दिन लगा के क्लाइंट को मैंने कहा कि इस पर मैंने इतने घंटे काम किया है, तो अब वो फिर मेरे पैसे भी दे के जाता था और बोनस भी दे के जाता था। यानी क्लाइंट को अपनी वर्थ बताएं, ये नहीं कि मैं हरफन बोला हूँ, नहीं। खैर दिस ऑल डन, डन हो गया। अब हम देखते हैं हमारी वेबसाइट का कोई हुलिया बदला या नहीं बदला। बदल गया हुलिया, ये देखें सारी वेबसाइट हमारी वैसे की वैसे ही आ गई जैसे हमारे डेमो डेटा में बनी हुई थी। अब सिंपल मैंने करना क्या है क्लाइंट के लिए, क्लाइंट ने कहना कि क्लाइंट ने मुझे फॉर एग्जांपल अपना स्लाइडर बताया कि स्लाइडर पे ये वाले इमेजेस होने चाहिए। मैं क्या करूँगा, स्लाइडर को एडिट करूँगा, उसकी जगह उसके जो है ना इमेजेस ऐड किए, स्लाइडर बन गया। क्लाइंट को आधे घंटे में स्लाइडर बनाया, 2 दिन बाद पब्लिश किया कि बहुत काम मुश्किल था। दिस इज हाउ यू डू इट। देखिए डेमो डेटा इंपोर्ट करना मुश्किल काम था या आसान था? बहुत आसान था। तो आप लोग एक वर्डप्रेस का प्लगइन, वर्डप्रेस का आप लोग एक गिग क्रिएट कर सकते हैं, इंस्टॉल वर्डप्रेस एंड सेट अप योर वेबसाइट लाइक अ डेमो डेटा। इसमें क्लाइंट आपको थीम देगा, थीम की सारी फाइल देगा, अपनी अपनी वेबसाइट का एड्रेस देगा, वेबसाइट की लॉगिन डिटेल्स देगा, आप क्या करोगे थीम इंस्टॉल करोगे, डेमो डेटा का बटन प्रेस करोगे, डेमो डेटा इंपोर्ट। सारे पेजेस वैसे ही बन के हमारे पास आ गए जैसे उसमें बने हुए थे। अब वेबसाइट बनाने का तरीका क्या है, अब देखें जो जो पेजेस यहाँ बने हुए ना वो सारे के सारे पेजेस ऑटोमेटिकली आपके बैकएंड में बन चुके होंगे। पेजेस में जाएंगे आप, ये रहा पेजेस में जाएंगे, ये देखें पेजेस बने हुए सारे। अब मुझे जिस जिस पेज की जरूरत होगी वो पेज मैं रखूंगा, बाकी को डिलीट कर दूंगा। क्लाइंट को कहूंगा यार तुम्हारी वेबसाइट रेडी है, मुबारक हो आप लोग सब वर्डप्रेस डेवलपर बन चुके हैं। समझ आ गई है डेमो डेटा इंपोर्ट करने की? जी चलें, ये तो थीम हो गया डेमो डेटा के तरह से। डेमो डेटा आपने इंस्टॉल करना है, थीम सेट करना है, हमने वो भी सीखना है कि आपके पास सुन लें यार बातें नहीं करें, हमने वो भी करना है कि आपके पास कोई थीम नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बट आपने ऐसा ही थीम क्रिएट करना है, ऐसा ही पेज बनाना है। हम वो भी करेंगे, सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप, कोई कोडिंग नहीं करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और ये चीज़ें सारी बनाएंगे खुद से।
ठीक है, आज जाके आप लोग डेमो डेटा इंपोर्ट करने की थीम, डिफरेंट थीम इंस्टॉल करने की प्रैक्टिस करें, आप आज जाके देखें कि थीम किस तरह इंस्टॉल होते हैं, किस तरह से काम करते हैं, डिफरेंट थीम्स को इंस्टॉल करके देखें, एक्सपेरिमेंटेशन करें बहुत सारी जी। आप क्वेश्चन है, एरर आ रहा है उसमें यार, अपलोड होगी, आई डोंट नो क्यों एरर आ रहा है उसमें, मैं दोबारा चेक कर लूंगा उसको।